जय श्री कृष्णा भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। भक्तों, हमारे पास में बहुत सारे सब्सक्राइबरों के कमेंट आए थे कि गुरुजी, हम मकान बनाते हैं तो मकान बनाते समय हमें सही ज्ञान नहीं होता कि नीम की खुदाई प्रारंभ किस तरफ से करें। नीम की मुहूर्त में जब नीम रखी जाती है उस समय पर क्या सामग्री रखें जिससे किसी भी प्रकार का जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहे, कोई दोष नहीं रहे, आर्थिक स्थिति ठीक रहे। क्योंकि भक्तों, जीवन में एक शादी का कार्य, विवाह का जो होता है, वैवाहिक कार्य एक ऐसा होता है कि दो जीवन साथी मिलते हैं, वो भी जीवन का बहुत देख सोच करके करना पड़ता है। ऐसे मकान का काम बहुत सोच विचार करके करना पड़ता है कि हर प्रकार से वास दोष ना हो, भूमि में किसी भी प्रकार का कोई श्रापित योग ना हो, कोई पितृ दोष ना लगे, उस जगह पर कोई दोष ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उस भूमि पर कहीं पर कुछ गाड़ा जाता है या कोई दोष होता है तो उसका भी निवारण हो जाए। तो उसी के लिए आज हम पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार से, किस दिशा में आपको भूमि की खुदाई करनी है, नीम रखनी है, और नीम रखते समय किन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो साधारण रूप से लोग तांबे का कलश नाग नागिन का जोड़ा रख करके ही, गुड़ रख करके ही पूजा कर लेते हैं, परंतु शास्त्रों के अनुसार जो सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाए आज हम उसकी जानकारी दे रहे हैं। और आपको नीम किस प्रकार से रखनी है, किस दिशा में रखनी है, संपूर्ण शास्त्रों के आधार पर ये हम आपको जानकारी प्राप्त कराने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से सुने और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे किसी को किसी प्रकार की त्रुटि ना हो पाए। क्योंकि मकान जो है अपने जीवन भर की परिश्रम के द्वारा पूंजी एकत्र करके बड़े परिश्रम के द्वारा एक जमीन ली जाती है, उसमें मकान बनाया जाता है। अगर उसमें किसी प्रकार का दोष होता है तो मन बहुत परेशान हो जाता है। अगर परिवार के अंदर सुख समृद्धि बनी रहे, कई बार ऐसा होता है, आप जानते हैं, जैसे कई मकानों में जाते इंसान बर्बाद हो जाता है, कई मकानों में जाते एक के चार हो जाते हैं। तो ऐसे ही सुख समृद्धि रूप मकान के लिए आज संपूर्ण जानकारी देखें। सबसे प्रथम भूमि की नीम की खुदाई कहां से प्रारंभ करें, किधर की दिशा में नीम रखनी चाहिए, उसके लिए आपको जो है प्लॉट की दिशा किधर भी हो, सर्वप्रथम आपको अपने सूर्य उदय के समय पर अपनी प्लॉट के पास में पहुंचना है और आप सूर्य की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। ध्यान रखें, नीम की जो खुदाई की जाती है ईशान कोण दिशा से की जाती है। सबसे श्रेष्ठ दिशा जो होती है ईशान कोण होती है। ईशान कोण में सर्वप्रथम खुदाई करें। ईशान कोण का पता कैसे लगाओगे आप? सूर्य की तरफ मुख करके खड़े हो गए हैं। जैसे आप पूरब दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो गए, आपको ध्यान से देखना है कि आपका मुख सूरज की तरफ है, तो जिधर सूरज निकल रहा है निकलते समय वो दिशा आपकी पूरब हो जाती है। पीठ की तरफ में जब आपका पृष्ठ भाग है, पीठ है, पीछे की साइड वो पश्चिम हो जाती है। जहां दाहिनी तरफ है, दाहिना हाथ जिधर की साइड में सीधा हाथ, उधर दक्षिण हो जाती है। और जहां बाया हाथ है, लेफ्ट भी कहते हैं जिसे, लेफ्ट बाया, उधर की साइड में उत्तर दिशा होती है। उत्तर और पूरब के मध्य में
जो दिशा होती है वो ईशान कोण कहलाती है। उस दिशा से आपको खुदाई प्रारंभ करनी है, वहां सबसे पहले गड्ढा खुदवाना है, वहीं पर आपका भूमि पूजन किया जाएगा। भूमि पूजन में आप ब्राह्मण को बुला सकते हैं या घर में कन्या के द्वारा आप भूमि श्री गणेश करवा सकते हैं, क्योंकि कन्या को देवी स्वरूप कहा जाता है। कन्या के द्वारा करवा ले या ब्राह्मण के द्वारा करवाएं। इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि सर्प का जोड़ा भी रखा जाता है। नेम के हम जो सामग्री बना रहे बता रहे हैं इसको आप नोट कर लें, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। नाक का जोड़ा, दूसरी बात और ध्यान रखें, सर्प जो रखा जाता है नाग नागिन का जोड़ा किस लिए रखा जाता है? नाग नागिन का जोड़ा इसलिए रखा जाता है, हमारे शास्त्रों के अनुसार ग्रंथों के अनुसार जो पूरा ब्रह्मांड है ये शेष नाग के मस्तक पर है, और जो गड्ढा खोद के पूजा की जाती है वो हम पाताल लोक की पूजा करते हैं, और पाताल लोक में शेष नाग को स्थापित करते हैं, और ये धारणा रखते हैं कि इन्हीं शेष नाग के ऊपर हमारा ये मकान भी रहेगा, इसकी हमेशा रक्षा होगी। तो शेष नाग का जो मुख होता है, शेष नाग का मुख प्रत्येक महीने के अनुसार बदला जाता है, हर महीने के अनुसार शेष नाग का मुख बदलना चाहिए। जैसे आपको महीनों के अनुसार जानकारी दे रहे हैं, भाद्रपद मास, आश्विन मास और कार्तिक मास, भादो आश्विन और कार्तिक, इनमें भवन निर्माण के समय शेष नाग का मुख, सर्प का जो मुख है, पूरा दिशा की तरफ करना चाहिए। अब अगला फागुन चैत्र और वैशाख, फाल्गुन चैत्र वैशाख में भवन निर्माण के समय नीम पूजन के समय सर्प का मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए। जब आप स्थापित कर रहे हैं ईशान कोण में तो उसका मुख पश्चिम दिशा में कर रहे। ज्येष्ठ आषाढ़ और सावन, ज्येष्ठ आषाढ़ और सावन तीनों महीनों में भवन निर्माण करते समय सर्प का मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। अगर आप मार्गशीर्ष फूस और माघ, यानी अगेन फूस और माघ, तीन महीनों में सर्प का मुख दक्षिण दिशा की तरफ में होना चाहिए। अब आपने जो है सर्प के मुख का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। सर्वप्रथम आपको पांच ईंटें भी लेनी है, ध्यान रखें ईंटें नहीं होनी चाहिए, पांचों ईंटों को धो लें, धो करके उन पर मोली, तीन तीन बार मोली लपेट के स्वास्थ्य चिन्ह बना दें, रोली से या सिंदूर से, पीला सिंदूर हो या रोली हो, स्वास्थ्य चिन्ह बना लिया। आपको एक कलश लेना है, तांबे का कलश हो, कलश में जल भर दें, उसमें आपको जो है थोड़ी एक सिक्का डालना है, उसका मुख बंद कर देना है, या उसके ऊपर नारियल रख दें और नारियल के ऊपर लाल कपड़ा और उसके ऊपर मोली जरूर लपेटें। अब आपको ये सारी सामग्री जो है कन्या के हाथ से, ब्राह्मण के हाथ से नीम पूजा में रखनी है, जब गड्ढा खोदा है। इसके साथ में आप एक बात का और ध्यान रखें कि जैसे आप जब पूजा कर रहे हैं तो पूजा के समय पर आपको ब्राह्मण के द्वारा संकल्प करा लेना है, अगर ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है तो कन्या के द्वारा आप हाथ में जल दे करके और जो सामग्री है सभी पर ओम विष्णु 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 कह करके, फिर अपना नाम गोत्र करके कि हम भूमि पूजन के लिए, यानी कि हम अपने मकान निर्माण के लिए ये संकल्प कर रहे हैं कहके जल छोड़े। इसकी वैसे संस्कृत में ओम विष्णु 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 अदितस्य ब्राह्मणो द्वितीय पराधे श्री श्वेत वाराकल्पे
जम्बू द्वीपे वर्तकंडे आर्यावर्तिक देशांतर्गते अमुक क्षेत्र स्थान का नाम अमुक मास महीने का अमुक गोत्रे अपना गोत्र अमुक नाम ने अपना नाम अमुक वासरे किस वार को कर रहे हैं अमुक स्थान उस मकान का एड्रेस बोल करके भूमि पूजनम कर से कह करके जल छोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद में आपको ये सामग्री रखनी है, सामग्रियों के आपको नाम बता रहे हैं, थोड़े से चावल, चावल टूटे फूटे ना हो, हल्दी की 5 गाथें, पंच औजार जैसे 5 जो धातु के छोटे छोटे जैसे कैंची चाकू जो छोटे छोटे बच्चों के खेलने के आते हैं छोटे छोटे अगर उपलब्ध हो जाए तो ले आए, नहीं तो आप जो कोई एक औजार भी रख सकते हैं। पीली सरसों या सप्त धान्य अगर ये नहीं है तो थोड़ा सा धनिया ये रख सकते हैं। चांदी के नाग नागिन का जोड़ा, चांदी का ना हो तो तांबे का हो, और ध्यान रखें ये सभी सामग्री शास्त्रों के अनुसार बनाने, जितनी उपलब्ध हो जाए उतनी आप रख सकते हैं, बाकी जितना प्राप्त हो जाए, भाई नाम हम सबके ले रहे हैं। पीली कौड़ी 5, सुपारी 5, सिंदूर पीला वाला, नारियल 1 पानी वाला, कलश तांबे का 1, लाल वस्त्र 1.25 मीटर, घास जो हरी घास होती है, बतासे 5 नई ईंटें, 5 पान के पत्ते और तुलसी की 35 पत्तियां, ये सभी नीम में रखें। इसके साथ शास्त्रों के अनुसार 11 दीपक रखे जाते हैं, परंतु 11 दीपक जलते उस समय रखे जाते हैं वो वहीं पर शांत हो जाते हैं, ईंटों से ढक दिए जाते हैं। अगर 11 नहीं है तो 1 तो जरूर रखें। सिक्का तांबे का सिक्का हो, तांबे का नहीं है उपलब्ध तो वैसा रख सकते हैं, थोड़ा गुड़, 1 जनेऊ, 1 गीता की पुस्तक, कच्छप, पंचरत्न और वस्त्र, कोई भी वस्त्र लेके ये सामग्री आपको नीम में रखनी है। ये सभी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहां पर से आप लिख लें। ये सभी सामग्री रख करके फिर 5 ईंटें कन्या के द्वार रखवा के फिर जो आपका विश्वकर्मा कारीगर आया है उसके औजार की पूजा करें और उसको कुछ दक्षिणा देके उससे उनको रखवा दें, वो सीमेंट लगा देगा, फिर भगवान का ध्यान करें, सबको मीठा मौकर आए। इस तरह से साधारण विधि से शास्त्रों के अनुसार जो पूर्ण विधि है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष ना रहे ये आप रख सकते हैं। इस विधि से पूजा करेंगे तो उस मकान के अंदर दिन रात बरकत होगी, संतान की, धन की, स्वास्थ्य की, हर प्रकार की रक्षा होगी। आप इस विधि से पूजा करें। आगे की वीडियो में हम पूजा विधि भी मंत्रों के साथ में बताएंगे। आप सभी को जय श्री कृष्णा।